हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भूमिका की किचन। तो आज हम बनाएंगे मटर पनीर। उसके लिए हमने लिया है पनीर, मटर, टमाटर, दही और हरी मिर्च। पैन लेना है, पैन के अंदर तेल डालेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसके अंदर जीरा डाल के जीरे को भूनना है। जैसे जीरा ब्लैक कलर का हो जाएगा टमाटर डालेंगे। आप सभी ने कभी ना कभी पनीर की कोई डिश बनाई होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको पनीर की कौन सी डिश सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर सभी को डाल के अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक भुना मसाला रेडी कर लेना है। जैसे ही मसाला रेडी हो जाएगा उसके अंदर मटर ऐड करनी है। लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो लाल या हरी, जो भी आपको अवेलेबल इजीली हो जाए आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्च ऐड की है। एक कप दही ऐड करके दही को अच्छे से मिक्स करना है और इस मसाले को दही में अच्छे से कुक करना है। ग्रेवी एकदम रेडी है, उबलने लगी है। पनीर ऐड कीजिए और पनीर को पकाइए और मुझे भी बताइए आपको सब्ज़ी कैसी लगी। अपने घर में बनाइए, खाइए और बताइए। इसको आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो आप पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर और उबाल सकते हैं। मैंने इसमें स्लरी बनाई है, बेसन के अंदर थोड़ा पानी डाल के उसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद उसको भी उसी पानी में ऐड कर दिया है। आज की पनीर रेसिपी बनके तैयार है। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए। अगर आपके कोई सुझाव हो, अगर आप कुछ और हमें बताना चाहते हैं कि हम अपनी वीडियोस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप हमें ज़रूर लिखिए।